ki shaan kaun, Danish. TikTok ka hero kaun, Danish. Insta ka king kaun, apna Danish. Dikhne mein chhawa kaun, Danish. Kahan mere bhai, aaja laut ke. Har koi tera wait kar raha hai, Danish. कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तूने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि तू मतलब थोड़ा अपनी सब्सक्राइबर ज्यादा था या अपने पेज पे तुम देखो मेरे सिर्फ 35 वीडियो है उसमें मेरे दो ब्लॉग्स हैं और कुछ टिकटॉक्स हैं ठीक है। इसमें मेरा कोई नहीं है कि यार मुझे सब्सक्राइब चाहिए ये कुछ नहीं है ठीक है। बिकॉज मैंने कुछ सोच रहा था कुछ दिन से कि मैं इस टॉपिक की बात करूँ लेकिन मैं कर नहीं रहा था बिकॉज मेरा कुछ टाइम नहीं है या सही मैं करूँगा नहीं। फिर मैंने देखा कुछ लोगों को जो कर रहे हैं ये बात तो मैंने क्यों ना मैं भी इनका साथ दूँ और सच के लिए साथ दूँ। तो यार बात कुछ ये है कि यार आपको पता है कि अब हमारे भाई जो है वो हमारे साथ नहीं रहे तो यार उनको तो सब मिस करते हैं क्योंकि यार मैं नहीं बोलता कि मैं उसका सबसे बड़ा फ़ैन दानिश भाई के बहुत 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 फ़ैन है। मैं बिल्कुल नहीं कहता यार मैं उसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता नहीं सब फैन ठीक है। अभी लास्ट में रात को एक वीडियो देख रहा था उसका आई थिंक कुछ ऐसा कुछ नाम था जब चैनल का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं दो वीडियो देखी थी और मैं या दोनों दूंगा एक दूंगा वो आपको बीच में पता चल जाएगा। तो यार बात कुछ ये थी कि दानिश भाई का जो है ना जो फेसबुक पे और सॉरी यूट्यूब पे जो है वो है चैनल है उस पर मुझे नोटिफिकेशन आ रहे थे कि यार दानिश भाई अपलोड वीडियो दानिश भाई वो तो पता था गुफरान चला रहा है उसका भाई चला रहा है तो वह सही है भाई चला रहा है ओके। लेकिन जब मैंने वो देखा ना वीडियोस तो यार वीडियोस में वो ऐसे बन रहा था जैसे वो दानिश भाई की जगह लेना चाह रहा था क्योंकि ये मैंने बाकी वीडियोस में भी देखा वहाँ पर भी वो यही बता रहे हैं कि यार हाँ गुफरान जो है वो फेम चाह रहा था वो ये चाह रहा था। ये सच है देखो गुफरान भी हमारे भाइयों की तरह वो दानिश भाई का वो भाई है उसको बुरा नहीं बोलते लेकिन सिर्फ एक बात की प्रॉब्लम है कि यार अगर तुम उसका पेज चला भी रहे हो चलाओ कोई मसला नहीं है दानिश भाई का पेज चला रहे हो अच्छी बात है उसकी आगे बढ़ाओ उसकी बात को। लेकिन क्या है कि यार वो अपना फेम बना रहा है मतलब अपनी वीडियोज अपलोड कर रहे हैं अपना सब कर रहे हैं ठीक है कर रहे हैं और मेरा मैसेज इसमें आपने टाइटल देखा होगा कि स्पेशल मैसेज फॉर टू फैम्ब्रा आर्मी और दानिश भाई के फैंस के लिए। तो यार देखो फैन मैं भी हूँ और मैं भी एक मैसेज दूंगा आपको कि यार एक तुम सही बंदे को सपोर्ट करो। हमने दानिश भाई को सपोर्ट करना था हम अभी भी उस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ क्यों क्योंकि दानिश भाई का चैनल था। लेकिन तुम किसको कर रहे हो अब गुफरान को कर रहे हो गुफरान को मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। हाँ अगर वो अपना चैनल बनाता है अपना एक शुरू करते काम तो बिल्कुल हम उसका साथ देंगे उसको हम उसके भी फैन बनेंगे अगर वो अपना काम दिखाता है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं वो दानिश भाई की जगह ले रहे हैं तो यार ये बहुत गलत बात है। मेरी मेन पॉइंट ये था देखो बिल्कुल छोटी सी वीडियो इतनी लंबी वीडियो नहीं है उसको प्लीज़ पूरा देखना आप लोग और लिंक डिस्क्रिप्शन में उन दो वीडियोज़ को दूंगा उनको भी आप देखना कि वो वीडियोज़ क्या है ठीक है। उसमें एक लड़का है गुरु शायद उसका नाम ऐसा कुछ है मैंने उसकी रात को वीडियो देखी थी। तो यार उस वीडियो में उसने बताया था कि ये उसने दानिश भाई को कहते हैं ना दानिश भाई के अकाउंट पे जो इंस्टा का वहाँ पर उसने क्या किया वहाँ पर उसने भेजा है क्या कहना उसका उसने पिक्चर अपलोड की गुफरान ने उसने नीचे कमेंट किया मतलब स्टोरी नहीं बताऊंगा कि पता नहीं कॉपी राइट आज लोग बोलेंगे नहीं यार तू कॉपी वीडियो बना रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसने कुछ उसने सही बताया उसने जो अगर ये दिखाई जा रही है ना अगर जो जो शो करवा रहा है अपनी इंस्टा की स्टोरीज उसमें हमें लग रहा है कि हाँ यार ये बंदा सच बोल रहा है। तो यार जो भी है ना मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का एक मकसद है कि यार तुम दानिश भाई को सपोर्ट करते हो ना कि गुफरान को ठीक है। और प्लीज़ जो है ना आप यार भाई मसला ये है कि आप दानिश भाई का अकाउंट है ना वहाँ पे आप और काम शुरू कर सकते हो जो दानिश भाई से रिलेटेड हो आप क्यों अपनी वीडियो डाल रहे हो आप किसी और की वीडियो डालो। ऐसे ही मैंने कहते हैं रात को फिर वो जब मैंने एक वीडियो देखी उसके नीचे एक लिंक था वो इमरान जो दानिश भाई का दोस्त था जो सैलून जिसका है उसने जो असलियत बताई है उससे भी पता चल रहा है कि यार ये गुफरान बिल्कुल फेम चला था अपने भाई का तो यार उसको फेम चाहिए अब हम हाजिर हैं। लेकिन अपने नाम से शुरू करें तो बिल्कुल हम उसको उसका साथ देंगे लेकिन यार दानिश भाई से वो नाम से वो शुरू कर रहा है बाकी मैं यार इसके हक में नहीं हूँ कि यार फैम्ब्रा आर्मी और दानिश भाई के फैन उसका साथ दें बाकी आगे आपकी मर्जी है। मैंने सिर्फ आपको ये एक मैसेज दिया था और ये प्लीज़ यार कोई ये मत बोले कि भाई तूने इसलिए जो ना ये किया कि तुझे सब्सक्राइबर चाहिए तुझे व्यूज़ चाहिए थे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप देखो अगर आपको बात सही लगी है तो आप अपनी खुद ही मर्जी से कमेंट बता सकते हो। और दूसरी बात ये यार कि मैं एक और ऐसा बंदा है उसके बारे में भी दानिश भाई के उसके रिलेटेड वीडियो है तो अगर आप चाहते हो तो आप
देख सकते हो उसको मैं अपलोड करूंगा, बिकॉज यार मेरे ना बड़ा से बड़ी वजह ये थी वीडियो ना अपलोड करने की, बिकॉज मेरे चल रहे हैं एग्जाम्स बोर्ड के, तो यार बोर्ड के एग्जाम को पता कैसे होते हैं कि पढ़ना होता है, तो यार मैं पढ़ रहा था, तो अभी मेरी एक एग्जाम हुआ, अभी टाइम है, लेकिन मैंने रात को ये वीडियो देखी तो मैंने कहा नहीं यार ये काम पहले जरूरी है, तो ये मैं बना चुका हूँ वीडियो, सो प्लीज़ 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 जो है ना वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को समझो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, फैमिली आदमी समझो एंड देन अपनी राय दो, सो प्लीज़ जो है ना। और हाँ मैं अभी फिर बता रहा हूँ कि मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा इसी टॉपिक पे इसी बारे में, तो प्लीज़ उसको भी देखना। और यार प्लीज़ जो है ना ये मैंने रात को वीडियो देखी उसमें बोला था यार नहीं तो गुरु को बोल रहा था कि यार तूने नहीं कॉन्टेक्ट तुम्हारे पास नहीं है, तुमने इसीलिए अपनी ये टॉपिक शुरू किया, नहीं जो बात सच है वो सच है, सच कर, सो प्लीज़ जो है ना इस वीडियो को पूरा देखो। अंटिल नेक्स्ट।